हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11 की चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम 14 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 15 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट कैसे, तो समझते हैं पिछले सालों के कुछ डेटा। तो चलिए नीट की वेटेज कुछ देखते हैं। पिछले सालों में 2013 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2014 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 15 में 2, 16 में 1, 17 में 1 और 18 में 0। ओवरऑल अगर इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आते कहां से हैं? एक क्वेश्चन हार्मोन से पूछा जाता है, जो प्लांट हार्मोन जिसको फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, वहां से एक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मैक्सिमम 2 भी पूछे जा सकते हैं। और इस चैप्टर का एक ऊपर का पार्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ की, एरिथमेटिक ग्रोथ की बात करते हैं, यहां से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कौन से क्वेश्चंस आए हैं पिछले सालों में वो भी मैं आपसे डील करता चलूंगा। और एक लास्ट टॉपिक है इसमें वर्नलाइजेशन और फोटोपीरियडिज्म, जो कि हम सेकंड टॉपिक में बात करेंगे उसकी। आप ये देखेंगे एनसीईआरटी पेज नंबर 239 से 254 तक। और लास्ट जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो है क्विक रिविजन सीरीज। तो आपको पता चल गया होगा इस चैप्टर की वेटेज कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर हमारा। पहले आपको एक मैं ओवरव्यू दिखाता हूं इसकी, कि हम पढ़ने आखिर क्या जा रहे हैं इसमें। आप एग्जाम के टाइम पे इजी वे में देख पाओगे, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बहुत ही बेहतरीन चार्ट सॉरी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, फोटोपीरियडिज्म है और वर्नलाइजेशन है। ये चार पार्ट में हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे पीजीआर तो है नहीं यार, तो पीजीआर जो है ग्रोथ का ही टाइप होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ग्रोथ में ही हम पढ़ते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर में हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। नेक्स्ट जो आज बात करेंगे ग्रोथ रेट के बारे में, एरिथमेटिक क्या होता है, ज्योमेट्रिक क्या होता है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, ग्राफ क्या होते हैं, सबकी बात करेंगे। इसके आगे हम ग्रोथ कर्व की भी बात करेंगे, एरिथमेटिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सिग्मोइड, जहां सिग्मोइड से क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट हम ग्रोथ प्रोमोटर की भी बात करेंगे, जो पीजीआर होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, मैं पॉइंट वाइज आपको बताता चलूंगा। ये ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं ही, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर हमारा। तो चलिए ग्रोथ पहले होता क्या है ये हम समझे। ग्रोथ जो कि एक मोस्ट फंडामेंटल, एक कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम साफ साफ देख सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये एक इरिवर्सिबल परमानेंट प्रोसेस है, ये हमें याद रखना है, इरिवर्सिबल। इसके बाद द लिविंग वर्ल्ड में भी कर चुके हैं ग्रोथ की, और मॉर्फोलॉजी में भी हमने पढ़ा था कुछ, जो 3 फेज होते हैं, मेरिस्टमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और मैचुरेशन फेज, ये हम वहां भी देख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये पार्ट को टच नहीं करेंगे। और कुछ पॉइंट ग्रोथ से रिलेटेड, ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होता है। देखिए दो चीजें होती है प्लांट में, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ भी होता है, डिटर्मिनेट ग्रोथ भी होता है। आप कहोगे ऐसा क्यों, प्लांट में तो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। बिल्कुल हाँ, बात तो सही है। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ जो भी प्लांट में जो मेरिस्टेम होते हैं वहां प्रेजेंट होता है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, लेकिन जो प्लांट के ऑर्गन्स हैं उनमें डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, ये आप याद रखना, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ये मैं बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि प्लांट में ओपन एंडेड ग्रोथ होता है। ओपन एंडेड ग्रोथ के 2 टाइप है, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट, आप समझ चुके होंगे। मैं बोलूं कि ग्रोथ एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जहां एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों चल रहा है, जहां मेटाबॉलिक एनर्जी की खपत हो रही है, बिल्कुल हाँ। तो ये बातें थी ग्रोथ के बारे में। यहां से तो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम बनती है, अब ये चार्ट जरूर देखना, रिवीजन के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट ग्रोथ रेट की हम बात करें, पहले तो हम समझें आखिर ग्रोथ रेट होता क्या है। तो जो भी पर यूनिट टाइम में जो भी ग्रोथ हो रहा है प्लांट में उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये तो ग्रोथ रेट चाहे तो 2 तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो एरिथमेटिक ग्रोथ और एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ये दोनों तरीके से हम किस तरह सेल के नंबर बढ़ रहे हैं हम इसमें पता करते हैं। पहला ये हमारा पार्ट है एरिथमेटिक ग्रोथ। एरिथमेटिक ग्रोथ को हम सिंपल सा समझे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, अगर इस तरह नंबर बढ़ रहा है कि अगर कोई भी एक डॉटर सेल है वो कंटिन्यू डिवाइड करती चली जा रही है और वही आगे चलकर मैच्योर होती चली जा रही है, तो ये जनरली एरिथमेटिक ग्रोथ की कैटेगरी में ये आता है। तो एरिथमेटिक ग्रोथ का सिंपल सा अगर फॉर्मूला देखे तो ये फॉर्मूला आपका दे रखा है यहाँ पे सिंपल सा, जहां सबका मतलब भी सब बता रखा है, इससे आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, सिंपल सी क्वेश्चन से ग्राफ से रिलेटेड ही आएगा, कौन सा ग्राफ है, तो एरिथमेटिक ग्रोथ है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा एरिथमेटिक ग्रोथ का, आपको एग्जांपल बताओ,
तो जो रूट का इलोंगेशन हो रहा है कॉन्स्टेंट रेट पे, अरिथमेटिक ग्रोथ का ही वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात करें तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ को ही हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्रोथ, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स बहुत ही अलार्मिंग रेट पे, बहुत ही हाई रेट पे वो होने लगेगी इंक्रीज। जैसे 4 है, 4, 8, 16, 32, तो इस तरह ये अलार्मिंग रेट पे, हाई रैपिड रेट पे ग्रोथ होता चलेगा, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोथ। बहुत ही गजब का ये ग्रोथ होता है। जनरली ये इम्ब्रियो में होता है, जो भी बच्चे इम्ब्रियो होते हैं, जो भी छोटे छोटे प्लांट्स के इम्ब्रियो होते हैं, तो वह इनिशियली तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ चलेगा, लेकिन बाद में वहां पे एरिथमेटिक ग्रोथ होने लगता है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। आगे हम बात करें तो इसमें तीन फेजेस होते हैं। एक तो होता है इनिशियल जो फेज होता है, जिसको लैग फेज बोलते हैं, बहुत ही स्लो होता है। इनिशियल फेज जो है स्लो फेज है। ये ग्राफ हमारा इंपॉर्टेंट है, आप गौर से देखिएगा इसे। ये हमारा जो फेज है लैग फेज, बहुत ही स्लो फेज है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोनेंशियल, रैपिडली इंक्रीज करता है, ये सबसे रैपिड वाला फेज है। इसके बाद यह स्टेशनरी फेज, यहाँ फिर से ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो आप इस ग्राफ को समझ चुके होंगे, तीन फेज में ग्राफ होते हैं। अब अगर स्पेस और फूड दोनों लिमिटेड है तब ग्रोथ कैसा होगा? तब सिग्मोइड कर्व बनती है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नीट में, तो ये आप जरूर याद रखना। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स इज, तो ये सिग्मोइड होगा अगर टिपिकल ग्रोथ अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आप समझ चुके होंगे। इसके आगे हम बात करें, अब दो बात आती है, एक तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के बारे में पूछा जाता है और एक रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो मैं सिंपल से लैंग्वेज में आपको बताऊं, अगर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, जो एक्चुअल चेंज हो रही है, जो भी एक्चुअल चेंज पर यूनिट टाइम पे हो रहा है, उसको हम एब्सोल्यूट ग्रोथ बोलते हैं। यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ में, ये रियल ग्रोथ होता है। सिंपल सा मैं आपको कहूं तो फाइनल जो ग्रोथ हुआ और जो इनिशियल ग्रोथ थी, वो दोनों को अगर घटा दें, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ। नेक्स्ट रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करें, जो भी चेंज पर यूनिट टाइम हो रहा है इनिशियल पैरामीटर को देखकर, तो इसको बोलते हैं हम रिलेटिव ग्रोथ रेट। जैसे यंग डेवलप्ड पार्ट्स जो थे उसमें हाई RZR होगा, मीन्स जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है जो यंग डेवलपिंग पार्ट्स है उनमें बिल्कुल ज्यादा होगा। आगे हम बात करें, एक ग्रोथ कर्व की हम बात कर चुके हैं सिग्मोइड के बारे में, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल, स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट अब बात आती है कंडीशंस आखिर क्या है, प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, कंडीशंस क्या है, फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो सकता है और एक इंट्रिंसिक फैक्टर हो सकता है। तो आप तो जानते हैं ना, प्लांट पे जो ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले एक्सट्रिंसिक फैक्टर है वो लाइट हो सकते हैं। लाइट फोटोसिंथेसिस में, लाइट फ्लावरिंग में, लाइट मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए, एंजाइम एक्टिवेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम वाटर की बात करें, वाटर तो आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लांट के लिए, क्योंकि किसी भी प्रोटोप्लाज्म का कॉम्पोनेंट होता है ये। प्लांट में टर्जिडिटी के लिए वाटर रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट में एंजाइम एक्टिविटी के लिए वाटर रिस्पॉन्सिबल है, और भी गैसेस एक्सचेंज वगैरह के लिए वाटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन काफी इंपॉर्टेंट, ये मेटाबॉलिक एनर्जी का प्रोवाइड करता है और भी प्रोटोप्लाज्म का कॉम्पोनेंट भी होता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें, तो ये भी एनर्जी के सोर्स होते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सब खैर बहुत सारे फैक्टर थे। इंट्रिंसिक फैक्टर में और कई इंटरसेलुलर इंट्रासेलुलर फैक्टर आते हैं, हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम तीन टर्म आती हैं, डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन और री डिफ्रेंसिएशन। इसके पहले हम पहले चलते हैं अनडिफ्रेंसिएटेड सेल्स, मीन्स जिनमें कैपेसिटी आई है डिविजन के लिए। इसके बाद आते हैं डिफ्रेंसिएटेड सेल्स, मीन्स डिफ्रेंसिएशन, मीन्स डिविजन एबिलिटी जो है वो लॉस हो चुका है। जैसे प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज के लिए जो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा है, उनमें डिफ्रेंसिएटेड सेल्स, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखो आप, ये अनडिफ्रेंसिएटेड सेल्स थे जिनमें कैपेसिटी ऑफ डिविजन था, देन डिफरेंशिएटेड सेल्स हो गए हैं, डिविजन एबिलिटी लॉस हो चुकी है, देन डी डिफरेंशिएटेड सेल्स है, डिविजन एबिलिटी फिर से आ गया, री डिफरेंशिएटेड सेल्स है, डिविजन एबिलिटी परमानेंट लॉस, अब नहीं आने जा रहा, कभी डिविजन नहीं होने जा रहा। आपको मैंने एग्जांपल बता रखे हैं, आप इससे जोड़ सकते हैं इसको। तो कुछ ये टर्म आपका क्लियर हो चुका होगा, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। री डिफरेंशिएशन के बाद कभी कुछ नहीं होने जा रहा है, तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट का सिंपल सा मैं मतलब बताऊं तो ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इक्वल टू डेवलपमेंट,
बस सिंपल सा यही मतलब है डेवलपमेंट का, ग्रोथ और जो भी डिफरेंशिएशन हुआ है उसका मतलब डेवलपमेंट होता है। हम ग्रोथ को देख सकते हैं, हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं डेवलपमेंट के एक्सप्रेशन में, ठीक है। ग्रोथ को मेजर करने का तरीका ही डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट वैसे सारे चेंजेस हैं जो भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम देख रहे हैं, चाहे वो सीड जर्मिनेशन हो, सीड जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक का फेज, जब प्लांट में एजनेस आ जाती है, जब बुढ़ापा आ जाता है प्लांट में, वहां तक का जो चीज हो रहा है वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये चीज हम देख चुके हैं डेवलपमेंट। कहानियों के तौर पर ये सब चीजें पढ़ी जाती हैं, क्वेश्चन तो ऐसे नहीं पूछे जाते, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, अभी बात आती है हेट्रोफिली की। हेट्रोफिली से पहले मैं आपको प्लास्टिसिटी बताऊं, वो टर्म हमारा इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिसिटी। एनसीईआरटी में भी मेंशन है ये टर्म। प्लास्टिसिटी देखो क्या होता है, कोई भी प्लांट के पास ये एबिलिटी होता है कि उसमें कुछ चेंजेस शो करे, वो कुछ अपीयरेंस फिजियोलॉजिकल तरीके से हो सकती है, जो प्लांट के वेरियस स्टेजेस में होती है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के चलते भी प्लांट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, प्लांट के लीफ चेंज हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ एक टर्म पढ़ते हैं हेट्रोफिली, हेट्रो मीन्स डिफरेंट और फिली बोले तो लीफ, मीन्स डिफरेंट टाइप के लीफ बन जा रहे हैं। हम बात हो रही है यहाँ पर इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली की, मीन्स ऐसे कंडीशन में इन्वायरमेंट इसमें हेल्प करता है, जैसे कि बटर कैप। अब बटर कैप बिल्कुल याद रखेंगे तो बटर कैप किसका एग्जाम्पल है, इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली का एग्जाम्पल है बटर कैप। नेक्स्ट डेवलपमेंट हेट्रोफिली की बात करें, कोरिएंडर, लार्क्सपर, जो लार्क्सपर आपका दे रखा है, और कॉटन, ये तीन होते हैं डेवलपमेंटल हाइड्रोफिली के एग्जाम्पल। ये आप और ये डायग्राम आप देख लेंगे, जैसे जुविनाइल के केस में आप देख रहे हैं, एडल्ट के केस में देख रहे हैं, टेरेस्ट्रियल के केस में देख रहे हैं, वाटर हैबिटेट के केस में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये लीफ के चेंजेस हुए हैं, इनमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं और मॉर्फोलॉजिकल भी चेंजेस आप देख ही रहे हैं यहाँ पे लीफ में। तो ये सब चीजें थी। आपको मैं एक चीज बताऊं ना, जो ग्रोथ हो चाहे डिफरेंशिएशन हो या डेवलपमेंट हो, सब आपस में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स हैं किसी भी प्लांट के लाइफ में। तो ये चीज थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। इसकी जो अगली लेसन होगी काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें मेंशन करूंगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स की जिसमें बात करते हैं हम, पांचों हार्मोन की बात करेंगे, उसके बाद हम फोटोपीरियडिज्म और वर्नालाइजेशन की बात करेंगे। तो इसी तरह बने रहिए बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक हमारे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।